बता दें आपको, लक्ष्य सेन यहाँ पर हार गए हैं सेमीफाइनल में, बहुत उम्मीदें थी। पहला गेम जो हारे ना ये, वो जीता हुआ था इसका 2017 के साथ, इनके पास 3 गेम पॉइंट थे पहले सेट के अंदर, पहली गेम के अंदर। लक्ष्य सेन अप चल रहे थे, जो 2022 देख रहे हैं, जो पहली गेम हारे हैं ये 2017 के साथ, 3 गेम पॉइंट विक्टर ने बचाए। उसके बाद 2020 से विक्टर ने पहली गेम ली एंड सेकेंड गेम में 7-0 से अप था लक्ष्य, 7-0 से अप था लक्ष्य शुरुआत में गेम की। वहां से वापसी करते हुए वो 21 पॉइंट पे पहुंच गया और आप 14 तक ही पहुंचे, मतलब आपने 7 पॉइंट लिए, उसने 21 पॉइंट ले लिए, 21-14 से सेकेंड गेम आप हार गए। तो बैक टू बैक गेम्स में यहां पर सपना खत्म हो गया फाइनल का, लेकिन लक्ष्य से कि सेन की मेडल की उम्मीद अभी बाकी है। आप ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे, पता चलेगा कौन से आप एथलीट के साथ खेलेंगे, कौन से शटलर के साथ खेलेंगे। बट एनीवे यार, लक्ष्य सेन ने इतिहास बनाया है, पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बने हिंदुस्तान के जो कि ओलंपिक का सेमीफाइनल खेले हैं, मेंस मेल शटलर पहले, और अब हो सकता है हिस्ट्री बना दें, पहले शटलर बने जो कि ओलंपिक मेडल लेके आए। लेकिन मुझे फिर वही बोलूंगा यार, यहां पर ना विक्टर की जो एक हवा बना हुआ है एक नाम से ना, ये थोड़ा सा चोक कर गए एंड में। सही बात है, बिकॉज जब इन्होंने देखा यार मैं विक्टर को हरा रहा हूं, 2017 हो गया, मेरे पास 3 गेम पॉइंट आ गए, इन्होंने नेट पे मार दी सर्फ, उसके बाद बाहर मार दी, अब ऐसा करते ही नहीं है। तो वहां पे जाके ना थोड़ा सा मेंटल गेम में लक्ष्य सेन थोड़ा सा ही वॉज नॉट अप टू द मार्क, एंड वहीं पर विक्टर ने इतना काम रखा अपने आप को, जैसे जैसे गेम में इनके ऊपर प्रेशर आता रहा विक्टर के ऊपर, सोचो ना 17-20 था, 3 गेम पॉइंट बचाए, पहला सेट जीते, पहली गेम जीत गए, उसके बाद सेकंड गेम के अंदर 7-0 से पीछे चल रहा था, 7-0 वहां से 21-14 से जीत गया। तो विक्टर ने समझा कि मैं लक्ष्य को साइकोलॉजिकली कैसे हरा सकता हूं, एंड ट्रस्ट मी, स्किल वाइज स्टेमिना वाइज लक्ष्य सेन कम नहीं थे किसी से भी, ले लीजिएगा फ्लैग ले लीजिएगा, कम कहीं से भी कम नहीं थे, लेकिन साइकोलॉजिकली यहां पर विक्टर को एडवांटेज थी। हमें पता है कि विक्टर ने यहां पर लक्ष्य सेन के साथ प्रैक्टिस भी करी थी पहले जाकर, इन लोगों ने प्रैक्टिस भी करी थी, विक्टर ने शायद इनको इनवाइट करा था, इन्होंने प्रैक्टिस करी, तो आई थिंक ही न्यू कि मैं इसको डिफीट कर सकता हूं, तो साइकोलॉजिकली डिफीट कर सकता हूं, अगर मैं काम रहा तो ये गलती करेगा, और एंड में आके बहुत अनफोर्स एरर्स भी करे, बहुत ज्यादा आपने देखा कि प्रेशर में चोक करे हैं लक्ष्य सेन आज मैं बोल सकता हूं, लेकिन यार ही बिलोंग देयर, ही रियली बिलोंग, और ये फाइनल में जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, अगर विक्टर की जगह लक्ष्य जाते ना इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होती, बिकॉज ही वॉज डोमिनेटिंग द मैच। आप पहला गेम देखो लक्ष्य सेन 2017 से गेम 3 गेम पॉइंट, सेकेंड गेम देखो 7-0 से आप, ही वॉज डोमिनेटिंग, बट फिर एकदम से साइकोलॉजिकली। बट लेकिन पता क्या कि आप अगर देखिए टेबल टेनिस के अंदर सेम हमारे साथ हुआ था, श्रीजा के साथ लीड लेने के बाद हम हारे, आज भी हमारे साथ लीड लेने के बाद हारे, तो बेसिकली तो आपने बोला ना कि नाम से प्रेशर में आ जाना वही हमारे साथ हुआ है। बट लेकिन यहाँ पे ना डेनमार्क की तारीफ भी करनी पड़ेगी, विक्टर की तारीफ भी करनी पड़ेगी, नहीं बहुत अच्छा खेला, कि जिस हिसाब से उसने रिसीव किए, जैसे उसके स्मैशेस थे, जो स्मैश में पावर थी वो आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए, आप उसके स्मैशेस रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे, और आप बिल्कुल ही प्रेशर में आ गए, आपको समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, उसके बाद तो फिर वो पॉइंट लेता गया बैकफुट पे आ गए। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया कि मैच गया कहाँ, आप 2017 से अप थे, पहला गेम आपका था आपने छोड़ दिया, सेकेंड गेम में आप 7-0 से अप थे आपने छोड़ दिया, सो विक्टर ने प्रेशर ऐसा भी नहीं करा कि मतलब आप बिल्कुल ही ढह जाए, उसने करा आपको थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन अल्टीमेटली आपके ऊपर था ना, अल्टीमेटली आप कर सकते थे, लेकिन आपने वहां पे छोड़ दिया, क्या वो इसमें कर लीजिए लोग, नहीं वो दूसरे वाले से करना पड़ेगा रिमोट, किसी तरह पे कर लो रिमोट, ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, बिकॉज लक्ष्य वाज प्लेइंग सो वेल, ही बीट द सिक्स्थ सीड, ही बीट द थर्ड सीड, आज सेकंड सीड को भी हरा ही लिया था ऑलमोस्ट, और मैं तो चोक हो गया साइकोलॉजिकली, हार गया क्योंकि बार बार लीड भी ले रहे थे, उसके बावजूद जाकर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जा रही, गलतियां हो जा रही थी, बार बार हो रही थी, जो हमने पहले नहीं देखा था, जब लक्ष्य डोमिनेट करता था तो वो फिर खत्म ही करता, डोमिनेट ही करता था, आज दिन नहीं था मुझे लग रहा है कि जब जीत के पास पहुंच रहे थे तब मतलब ऐसा लग रहा था या लीड में थे तो शायद या तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा या तो कॉम्प्लेसेंट या हो रहे थे पता नहीं क्या हो रहा था, बट यार दाद देनी होगी विक्टर की। अनुराग बोल रहे हैं विक्टर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर अलोंग विद लिन डैन ऑफ चाइना डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट फ्रीक ऑफ नेचर, सो दिस मैच वी वर लूजिंग 9-10 बेटर चांस अगेंस्ट एल जेड जे फॉर ब्रॉन्ज, भाई ऐसी बात नहीं है, यू वर अप इन द फर्स्ट गेम 2017, आई थिंक यही जो है ना कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और ये जो हुआ था ना यही कर गया, वही जब आप पहुंचे 2017 आपको लगा यार मैं विक्टर को हरा दूंगा,
विक्टर विक्टर वो हो गया उसके दिमाग में, और वहां पे उसने पहले नेट में मारी, फिर उसने इधर मार दी उधर मार दी, चोक कर गया। अदरवाइज स्किल में कोई कमी नहीं थी आपके, वहां पर स्टैमिना में कोई कमी नहीं थी। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये विक्टर विक्टर का नाम जो है ना आपके दिमाग में हुआ पैदा कर गया। बट लक्ष्य सेन कितने साल का है यार अभी? 22 का है, तो अगले ओलंपिक में अगर इसमें पहले ब्रॉन्ज तो लो, आप जैसे बोल रहे हैं कि ब्रॉन्ज आ सकता है, अभी ब्रॉन्ज मेडल का चांस है लक्ष्य का, तो अगले ओलंपिक में इसमें ब्रॉन्ज, अगले में गोल्ड भी आ सकता है भाई, जिस तरीके से लक्ष्य खेलता है ही इज वेरी वेरी गुड। उसको ना यहाँ से मैच्योरिटी मिलेगी कि ठीक है यार विक्टर है, लेकिन भाई मैंने जो गेम खेली उससे बेटर ही खेली है। अच्छा आपको मुझे अगर से अगर कोई गेम की बात कर रहा है ना, तो गेम वाइज बहुत पीछे नहीं था। मुझे लगा जहां जहां पे पॉइंट्स जीतने की, मतलब गेम खत्म करने की बारी आ रही थी, वहां वहां पे प्रॉब्लम हुई, और वो भी अपनी गलतियों की वजह से हुई। अच्छा नहीं पता कि सामने वाले ने कोई विनर पॉइंट स्कोर कर लिया है, लक्षित ने नेट, लक्ष्य ने अपना अपना नेट पे मार दिया वहां पे, उसके बाद आप देखो तो उन्होंने अनफोर्स एरर्स कर दिए, आउट मार दिया वहां पे, तो लक्ष्य तो नेट ही फाड़ देता था, खुद ही खुद ही फट जाएगा। तो लक्ष्य सेन ने मतलब नेट पे जाएगा तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन लक्ष्य सेन की बात हो रही है, अरे मैं तो साफ तो बांधे उखड़ जाएंगे ये बोलिए आपको लक्ष्य से बट यार जो यार पहले ओलंपिक्स में आते हुए आप अगर पहुंच रहे हो सेमीफाइनल में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े बड़े आपने टॉप सीट पर आया, ब्रॉन्ज भी चाहिए। 2017 से जब आप थे ना, आपको फिनिश करना चाहिए वहां पे। आप 2017 तीन गेम पॉइंट पे आप नेट पे नहीं मार सकते भाई, ठीक है अब आपको सबक मिला है, अब हो गया तो सीखना है। बट कोई भी ये नहीं बोल सकता कि विक्टर कोई ग्रेटर कोई लेवल में डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं था भाई, इवन बल्कि आप ही आगे चल रहे हैं। पहली गेम जिसने देखी है ना, डोमिनेट करा इसने बिल्कुल। इवन एंड में जितना मुझे दिख रहा था कि विक्टर ना बहुत देर तक लक्ष्य सेन से बात भी कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उनकी गेम को, जिससे आपकी गेम खेली है। मलेशिया के जो डबल्स वाले थे उन्होंने बाहर किया था चिराग। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि विक्टर ने एंड में जब लक्ष्य सेन से बात भी हो रही थी, काफी देर बात भी करी, अप्रिशिएट भी किया, जिस हिसाब से लक्ष्य सेन खेले वो ही तो है ना, यही तो है साइकोलॉजिकल ट्रिक्स कि आपको पता है कि आपका ओपोनेंट कहां पे क्रैक करेगा और आप वेट कर रहे थे। बट स्टिल हैट्स ऑफ टू विक्टर यार कि 20-17 से नीचे तीन गेम पॉइंट बचा के 7-0 से नीचे होके 21-14 क्या बात है दोस्तों। बट इसमें फिटनेस का भी होगा यार, उसकी फिटनेस भी अल्टीमेट है विक्टर की, उसकी भी थी लेकिन नहीं जीत पाया।